हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम आज देखने जा रहे हैं कि आपको पेटीएम से पर्सनल लोन कितना मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको पेटीएम से पर्सनल लोन लेना है तो पेटीएम आपको पर्सनल लोन दे रहा है पूरे 2 लाख, 10,000 से लेके 2 लाख तक का। अगर आप 2 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो दोस्तों देर ना कीजिए और अपना तुरंत चेक कीजिए अपने इस ऑफर को। दोस्तों पेटीएम जो आपको लोन देगा आपको अच्छे सिविल स्कोर पे ही देगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो ही आपको लोन प्रोवाइड होगा, ऐसे में आपको लोन प्रोवाइड नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और जिसका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा उसी को ही 2 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको कम लोन मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा यूज़र हो, वह 1 साल के ऊपर यूज़ किया है आपने पेटीएम पर्सनल लोन को, तो आपको अच्छा लोन मिलेगा। अगर आपने प्री पेमेंट अच्छा किया है तो आपको लोन तो भी अच्छा मिलेगा। अगर आपने किसी फाइनेंस से लोन लिया है और उसका टाइम टू टाइम पेमेंट किया है तो भी आपको लोन बेहतर से बेहतर मिलेगा, लोन अमाउंट अच्छा मिलेगा। दोस्तों सिर्फ इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी आपको 2 से 3% रहेगी। अगर समझ लीजिए कि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार तक का आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। अगर आपको 1.5 लाख तक का लोन लेना है तो आपको 9,000 रुपये तक का आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना रहेगा। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों इंटरेस्ट कम से कम 20-30 हज़ार या 40,000 तक का आपको इंटरेस्ट गिरेगा। तो अप्रोक्सीमेट देख के चलिए कि 20% तक आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा तो इसमें आपको 12% या 13% के अनुसार आपको पर ईयर भरना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपका लोन है आपका 1 लाख रुपए का, तो आपको हर साल का जो ब्याज है आपको 13,000 भरना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपका 2 लाख लोन मिलता है, 2 लाख का लोन आपको पर ईयर 24,000 भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके लोन लेने के ऊपर है कि अगर आप 1 लाख लोन 2 साल के लिए लेते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वही 1 लाख अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 12,000 भरना पड़ेगा। अगर आपने 2 साल के लिए लिया लोन तो दोस्तों आपको उसका डबल भरना पड़ेगा, मतलब 24,000 आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना कम डेज के लिए, जितने कम मंथ्स के लिए आप लोगे तो उतना ही कम ब्याज भरना पड़ेगा, ज़्यादा डेज के लिए ज़्यादा ईयर के लिए लोगे तो उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दोस्तों आइए प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पेटीएम 1 लाख के ऊपर लोन देता है दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। दोस्तों आइए चेक करते हैं अपना ऑफर। तो दोस्तों चलते हैं डिस्प्ले पे कि आप कैसे चेक करना है आपको पेटीएम पर्सनल लोन। दोस्तों सबसे पहले आपको डाल लेना है पेटीएम पर्सनल लोन, पर्सनल लोन। देखिए यहाँ पे दोस्तों पर्सनल लोन आ गया, आपको पर्सनल लोन पे क्लिक करना है दोस्तों और आपका ऑफर आपको सामने दिखेगा। दोस्तों डायरेक्टली आपको आ गया है 1.5 लाख तक का ऑफर। दोस्तों इसमें देखिए आपको 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक लोन मिलेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों ये आपको 1.5 लाख तक का आपको ऑफर मिल रहा है, तो इसमें आप 1.5 लाख तक आप जितना लेना है ले सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि पेटीएम ने 1.5 लाख तक का लोन दिया है, 1.5 लाख तक। अगर आपका सिर्फ यहाँ पे 10,000 रुपये ही आता ना दोस्तों तो आप 30,000 ले सकते थे। अगर आपको 50,000 आता तो 50,000, लेकिन आपको 1.5 लाख तक का इसमें मेंशन हो रहा है। दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे जितना आपको लोन लेना है 20,000-40,000 तो आपको यहाँ पे लेना है और उसे 30,000 समझ लीजिए लेना है, तो आपको 30,000 6 मंथ के लिए मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको पूरा 1.5 लाख लेना है तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा दोस्तों कि आपका 12 साल 12 मंथ का इतना पैसा होगा। तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका 12 मंथ का कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों समझ लिए आपने 12 मंथ के लिए 1.5 लाख का लोन ले लिया, तो 14,624 × 12 मंथ
देखा दोस्तों, आपको 12 मंथ का टोटल इतना पेमेंट करना पड़ेगा, 1.5 लाख का 175,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। आपने कितना लिया है दोस्तों? 1.5 लाख, 1,50,000। देखा दोस्तों, आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ रहे हैं इस पे। अगर दोस्तों आपने 18 मंथ के लिए, दोस्तों अगर आपने देख लिया 18 मंथ के लिए लिया, तो 10,441 18, तो दोस्तों इसमें आपको पूरे भरने पड़ जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, अगर आप 18 मंथ के लेते तो आपको टोटल 38,000 रुपीस आपको भरने पड़ जा रहे हैं दोस्तों। इसमें देखिए, खास बात यह है कि इसमें आपको 18 मंथ के लिए आपको प्रोसेसिंग फी लग रहे हैं 292 दोस्तों, मतलब 9,300 रुपये आपको प्रोसेसिंग फी लग रहे हैं 1.5 लाख पे। अगर आपने 12 मंथ सेलेक्ट किया तो 12 मंथ पे भी सेम प्रोसेसिंग फी है, मतलब आपको आपका प्रोसेसिंग फी कट के 1,40,000 आपको मिल जाएंगे आपके अमाउंट में दोस्तों। जैसा जैसा आप अमाउंट कम करेंगे ना दोस्तों, वैसे वैसे आपका प्रोसेसिंग फी भी डिक्रीज होता जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि पेटीएम ने कैसे अपने कस्टमर को 1.5 लाख रुपये लोन प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। दोस्तों 1.5 लाख लोन प्रोवाइड करने का इनका एक ही मकसद है कि आप इनसे पैसे लो और आइए आपसे ब्याज कमाए। लेकिन दोस्तों आज के टाइम इतना जल्दी, वो भी विदाउट प्रूफ दोस्तों, कोई लोन नहीं देता। तो अगर आपको ज़रूरत है तो लीजिएगा, अगर नहीं ज़रूरत है तो दोस्तों मत लीजिएगा। जहाँ तक कि मेरा सवाल है कि दोस्तों पर्सनल लोन कभी लेना नहीं चाहिए, कोई लोन ही नहीं लेना चाहिए। लोन में आदमी की जेब खाली हो जाती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो लोन है, ये पेटीएम कंपनी नहीं दे रही है, पेटीएम ने एक थर्ड पार्टी को रखा है अपने साथ कि वही थर्ड पार्टी आपको ये लोन देता है। तो उसके बारे में भी लिखा है दोस्तों, कौन सी कंपनी देती है, एक CFIPL करके कंपनी है जो आपको देती है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, कंपनी कभी भी पेटीएम कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी से लेके आपको लोन प्रोवाइड करती है, तो इसमें दोनों जन का कमीशन होता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको लोन लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। तो आपके लिए बहुत ही सुपर ऑफर है, तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए दोस्तों। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।